बैक टू पाकिस्तानी प्रिंसेस रिएक्शन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, सेफ होंगे, खरीद होंगे। मेरा फिजान, मेरा नाम है जावेद। नमस्कार, सत श्री अकाल गाइस। आज की वीडियो आप लोगों की बहुत ज्यादा बड़ी अमेजिंग होने लगा है। जो रिजेक्ट डे में जो लड़कियों ने परेड की थी, हम उसका इंटरव्यू लेंगे आज। कि यार के इंडिया में जो वुमेन्स हैं, जो फौजी हैं, जो मिलिट्री हैं, एयरमैन में, मैं उनको पहले सलाम करता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके अंदर एक जुनून और एक जज्बा है। तो हमें स्टार्ट लेके एंड तक जरूर देखना हमारे चैनल, न्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, बेल आइकन प्रेस करना है, भूलना नहीं है। काउंट स्टार्ट करते हैं, 3, 1 एंड स्टार्ट। कमाल है यार, वाह वाह। जो वर्दी है उसे वही हासिल कर सकता है जिसके अंदर जुनून। मेरे घर में ही फॉर्म भरने तक के अलावा थे, बोले नहीं फोर्स में नहीं जाना, तो मैंने छुपा के फॉर्म भरा था। पहले भाई के नाम से, पापा के नाम से, हस्बैंड के नाम से जाना जाता था, अब मेरा खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट। यार पहचान मेल सोल्जर करेगा उससे शायद कई ज्यादा काम एक फीमेल सोल्जर करने की काबिलियत रखती है। लास्ट टाइम से शायद ज्यादा जोश है हमारे पास, हमारी लड़कियों के पास। कमाल, क्या बात है। सुबह के लगभग 3:30 बजे इस वक्त नींद में ज्यादातर लोग होंगे, लेकिन वो जाग चुकी हैं। आज का पूरा दिन हम CRPF की उन महिला जाबाज सिपाहियों के साथ होंगे जो आपकी और हमारी चप्पे चप्पे पर हमारी सुरक्षा करती हैं। उनको इसी वजह से 26 जनवरी की परेड का हिस्सा बनाया गया है। CRPF की वो जाबाज सिपाही आज उनकी जुबानी, उनकी कहानी आपको सुनाने के लिए हम आए हैं CRPF के एक कैंप में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस स्पेशल डिजिटल टॉक में। सलूट है। जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं वो CRPF की जाबाज महिला सिपाही है। वो महिला सिपाही जो हमारे मुल्क की 140 करोड़ आबादी का आधा हिस्सा यानी 70 करोड़ आबादी की नुमाइंदगी वो महिलाएं करती हैं। इनको 26 जनवरी की परेड के लिए चुना गया है। रेडी खड़ी है। CRPF के गुड़गांव कैंप से जा रहे हैं विजय चौक दिल्ली की ओर, जहां पर 26 जनवरी की जो परेड की प्रैक्टिस हो रही है वहां ये रुक जाएंगे। आइए बात करते हैं उनमें से कुछ महिलाओं के साथ। जी क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। कब से हैं आप CRPF? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कैसा जिंदगी बदली आपकी CRPF में आने के बाद? बहुत सारी चीज़ें बदली, मतलब जब जॉब लगने से पहले कुछ अलग थी और अब कुछ अलग है। मतलब मेरे घर में ही फॉर्म भरने तक के अलावा थे, बोले नहीं फोर्स में नहीं जाना, तो मैंने छुपा के फॉर्म भरा था। और मैं फिर बोले ठीक है फॉर्म तो भर ली, फिर ये एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो रनिंग कैसे करोगी? गाँव समाज वाले सवाल उठाते थे कि ना सुबह, फिर मैं अंधेरे में ही दौड़ के, सुबह 4 बजे उठती थी, अंधेरे में दौड़ के चली आती थी, किसी को पता था नहीं। फिर मेरा जब सिलेक्शन हुआ सबको पता चला, सब प्राउड फील कर रहे थे और सब कुछ लोग आश्चर्य भी कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो गया। तो अभी तो कुछ लड़कियां मतलब मेरे वजह से उनके गार्जियन बाहर भी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो पहले बाहर भी लड़कियों को नहीं भेजा जाता था। हम बिलीव नहीं कर सकते थे कि हमारा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरह से आएगा। पहले भाई के नाम से, पापा के नाम से, हस्बैंड के नाम से जाना जाता था, अब मेरा खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट से भाई, माँ कसम ना, ना, अब मेरे नाम से मेरे फैमिली को जाना जाएगा। सभी फोर्स मेंबर हम लोग, आपके पति अभी जम्मू कश्मीर में है, कौन सी रेजिमेंट में है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको?
वो द गार्ड्स रेजिमेंट में है, उनको बस ये बताया जाए कि मेरे प्रति उनको प्राउड फील करना चाहिए कि उनकी वाइफ आर्टी परेड में शामिल है। किसी महिलाओं को उनके सपने साकार होने में रोकना नहीं चाहिए। थोड़ा सा खिलाफ है मेरे वजह से कि वो खुद भी फोर्स मेंबर है, फिर भी मुझे मना करते हैं कि फोर्स में नहीं जाना चाहिए लड़कियों को। सबसे पहले तो सीआरपीएफ फोर्स का मेंबर होने के नाते मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे मौका मिला इस जीवन में कि मैं फोर्स को ज्वाइन, क्योंकि वर्दी पहनना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस। तो घर वाले जब देखते हैं कि हाँ आप टीवी पे कब आ रहे हो, 26 की आपकी परेड है, तो वो पहले से ही तैयार हो जाते हैं कि अभी आप परेड आने वाले हैं। इवन की पड़ोसी भी आ जाते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है जब मम्मी फोन करके कहते हैं तुम्हें मैंने टीवी पे देखा, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझसे भी आस पड़ोस की जो लड़कियां हैं वो भी बहुत इंस्पायर होती हैं, जब मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत सम्मान मिलता है। और इंसान को क्या चाहिए जिंदगी में, अगर आपको सम्मान मिल रहा है, आस पड़ोस वाले आपको सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। सीआरपीएफ की महिला सिपाहियों के साथ चलते हुए हम आप पहुंचे हैं विजय चौक। विजय चौक से ये रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनने जा रही है। जोश है, ये तमाचा है उन लोगों के लिए जो महिलाओं को समाज में नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस जोश के आगे सब कुछ फेल है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कहाँ से बिलोंग करती हूँ? मैं चार बहन एक भाई होते हैं, तो उसमें से सबसे बड़ी मैं हूँ। मेरे छोटे भाई बहन पढ़ाई करते हैं, मैं सीआरपीएफ में हूँ, और मेरी छोटी वाली बहन मेडिकल जॉब कर रही है, मेडिकल का पढ़ाई कर रही है। मेरे पापा बोलते हैं कि एक बेटी देश का सेवा करेगी, एक बेटी जवान का सेवा करेगी। यार देश का सेवा बहुत मजा है, उनको बहुत जाने लोग कुर्बान कर देते हैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने में। मैं यूपी मेरठ से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा आर्मी में है, उन्हीं को देख के, उनके ड्रेसेस को देख के मुझे बस मेरा सपना था कि मैं बेल्ट की ही जॉब करूंगी। कई बार मुझे पीछे भी हटना पड़ा था सर, क्योंकि मैं कई एग्जाम दिए थे, स्टेट पुलिस के दिए थे, कई सारे दिए थे, लेकिन मैं फिजिकल में थोड़ा सा वीक थी। लेकिन मेरे पापा बोलते थे बेटा सपना तो पूरा करना है। मेरे पापा ने मेरी फिजिकल में बहुत हेल्प की है, फिर मैं लास्ट टाइम में ये क्रॉस कर दिया। जो देश की करोड़ों लड़कियां हैं उनको क्या मैसेज देंगी आप? सर मेरा मैसेज तो यही है, ये सीआरपी कोई जॉब नहीं है, सीआरपी की जो वर्दी है उसे वही हासिल कर सकता है जिसके अंदर जुनून, बेशक जिसके अंदर जोश हो, बेल्ट की जॉब पाने का सर, इसे वो ही दे सकता है। जब मेरा सीआरपी का ज्वाइनिंग लेटर मेरे घर पहुंचा था, तो बहुत सारे हमारे रिश्तेदार थे जिन्होंने पापा से बिल्कुल मना कर दिया था कि सीआरपी की जॉब है लड़कियों के लिए बेहतर नहीं है, ये है वो। लेकिन मेरा सपना था, मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पापा ने बोला कि जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए, जब मेरी बेटी का सपना है तो वो पूरा करेगी, वो जाएगी आगे। हमारे गांव वाले अभी तो अच्छा ही बोल रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि क्या अब इतना दूर भेज रहे हो लड़की को, सब बोल रहे थे। मेरी तो शादी हो गई, शादी के बाद मैंने ज्वाइन किया है। बिल्कुल, शादी के बाद कुछ मैनेज करने में दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, शुरू शुरू में आई थी, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए। और मैं, हम जो सीआरपी के लिए कर रहे हैं उसके लिए मुझे गर्व है। आप कैसे परिवार से आई हैं, क्या करते थे पिता? पहले मैं जॉब ही करती थी लेकिन प्राइवेट में, अभी तो प्राइवेट में इतना मजा नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे सीआरपी में आना बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव में मैं एक ही हूँ जो जॉब करती हूँ, वो भी सीआरपी में। हमारा गांव है वो बहुत मतलब छोटी सोच वैसे रखता है, तो लड़कियों की नॉर्मली 17-18 में शादी हो जाती है। यहाँ वीडियो एंड करते हैं, अमेजिंग वीडियो गाइस, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा है यार भाई, मैं शॉक हो चुका
कि या जो भारत की जो लड़की हैं, मैं कहता हूँ इतना जुनून, इतना जज्बा, क्योंकि इतना शौक है अपने मुल्क के साथ, इतना उनको अपने आर्मी के साथ, उनको अपने कपड़ों के साथ, इन कपड़ों की मैं बात भाई नहीं कर रहा, सीधी भाई बात करता हूँ, जो उनकी भाई वर्दी है, मैं कहता हूँ या उन्होंने एक लेवल कर दिया ब्रदर, उन्होंने एक अपने दिखा दिया कि एक ये भाई वीडियो स्पेशली है लड़कियों के लिए, मगर आपने इनको इस वीडियो को आपने इतना ज्यादा शेयर करना है कि लोगों तक पहुंचे कि हाँ। उनका भी एक दिल करे कि भारत में जाके फौज में साले आर्मी साले कि वो कुछ देश के कुछ करें, कुछ करे। सही बात है यार, वो तो ये जो लड़कियां बहुत गरीब गांव से, एक ने दुबई छुप के फॉर्म भर दिया यार, ये बहुत गरीब गांव से, और अभी देखो यार इतना गर्व फील कर रही है, प्राउड, इधर खड़े होके प्राउड फील कर रही है, सीआरपी में ये इन्होंने जो इतना प्राउड फील कर रही है, ये औरों को भी करा रही है, सिर्फ खुद नहीं कर रही, औरों को भी करा रहे हैं। यार मैं कहता हूँ इनकी बहुत अच्छी जॉब है, बिल्कुल जॉब नहीं, मैं कहता हूँ ये इनका काम है भाई, ये इनका दिल है, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि उधर की लड़कियां देश की सेवा कर रही हैं, पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा नहीं है। कि यार के इधर भी ऐसा कुछ हो कि हम उन पे एक रिएक्ट करें, ऐसा नहीं। या मैं कह रहा हूँ कि मुझे इतना मजा है, आई एम वेरी शॉक्ड, मैं इतना शॉक हो चुका हूँ कि यार मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि यार भारत की लड़कियां इतनी अच्छी हैं कि जो वो अपने देश का ख्याल रख रही हैं, अपने वालदैन का ख्याल रख रही हैं, काफी उन्होंने अपना एक मर्द भी नहीं कर मुश्किल से यार, मुश्किल से फॉर्म फिल किया, घर से लड़ के अम्मी अबू से डांट खा के, वेरी अमेजिंग है यार। हाँ, इसे कहते हैं कि भारत में चलो जान देने के लिए भी देने तैयार हैं। तो आई होप आपने मां से बैठ के जरूर एंजॉय की होगी। हमारा चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जो मजीद आने वाली अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।